तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए फ्रेश कमाल की वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो 2024 आ चुका है। एंड इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक YouTube चैनल बनाया जाए एंड YouTube से अर्निंग किया जाए। तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। अब मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने सोच लिया कि YouTube चैनल बनाना है, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल नहीं बनाया है, तो आप यहाँ पे ये वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो यहाँ पे ये वीडियो में बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प होने वाला है उससे, और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होगा आपके YouTube चैनल को ग्रो करने में। क्योंकि ये ट्रिक मैंने कुछ मंथ पहले अपने YouTube चैनल पर खुद ट्राई करके देखा, देन आप लोगों को, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक को शेयर किया जाए। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा व्यूज़ कंसिस्टेंटली 50-40 इस तरह से आते थे, देन मेरा व्यूज़ जो है इस ट्रिक को लगाने के बाद अप हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे रिसेंटली मेरा वीडियो में देख सकते हैं, जो भी मैं दो मंथ पहले मैंने जो भी ट्रिक लगाया था। तो अब मैं बता दूँ कि ये पूरा के मतलब SEO कैसे किया जाए, कैसे यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब वीडियो को सही, तो अब मैं आप सबको बता दूं कि अपना YouTube वीडियो को सही तरीके से कैसे अपलोड किया जाए 2024 में, जिससे आपका YouTube चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube चैनल आपके YouTube जो है आपके वीडियो को रिकमेंडेशन में डाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरह से वो ट्रिक आपको अप्लाई करना है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसका यूज़ करके मैंने अपने जो है एवरेज व्यू से, जो भी एवरेज व्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर आता था उससे ज़्यादा व्यूज़ आने लगा था। कुछ वीडियो पर ये ट्रिक मैंने आजमाया है, जैसा कि आगे वीडियो में मैंने दिखाया, और 100% वो वर्क कर रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप जिस तरह से भी वीडियो अपलोड करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो, YouTube से थोड़ा इजी हो जाता है वीडियो अपलोड करना। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन से करना चाहते हो YouTube एप्लीकेशन से कर सकते हो, और अगर आपको जो है क्रोम से करना है अपलोड, तो क्रोम से भी कर सकते हो, किसी भी मेथड के थ्रू आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद अपलोड वीडियो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने वीडियो ओपन होके आ जाएगा। देन मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाला वीडियो अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस शो करेगा। देन यहाँ पे अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये करना है कि आपको यहाँ पे अपने टाइटल को सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल को सेलेक्ट ऐसा करना है जिससे आपका जो है वीडियो रैंक करे, कंपटीशन कम हो, लो कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, ऐसा आपको करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, मैं आप सबको बता देता हूँ। SEO करना होगा आपको, ढूंढना है ऐसे टाइटल को जो जो कि रैंक करे आपका। तो उसके लिए आप TubeBuddy या BeardIQ का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है TubeBuddy का यूज़ करने वाला हूँ, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, और ये 100% सेफ़ है, इससे आपके YouTube चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर TubeBuddy अपना एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा TubeBuddy एप्लीकेशन जो था वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मेन्यू में जाना है, उसके बाद टैक्स एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे वो टैग सर्च करना है जो आपके वीडियो से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल 2024। तो यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड को सर्च किया, एंड यहाँ पे मैं वापस से सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर के साइड आपको दिख रहा होगा कि एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है, कंपटीशन दिखा रहा है, एंड ओवरले दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये वाला टैग्स तो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी एवरेज है एंड कंपटीशन भी एवरेज है, तो इस पे हमारे वीडियो रैंक नहीं करने वाला है। देन अब हम लोग यहाँ से दूसरा कोई टाइटल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं
ये वाला टैक्स भी हमारा सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम लो है एंड यहाँ पे कंपटीशन एवरेज है, तो हम लोग ये वाला भी टैक्स नहीं यूज़ करने वाले हैं। ऐसा हमें टैक्स ढूंढना है जो कि यहाँ पे जो कि सर्च वॉल्यूम जिसका ज़्यादा हो। और तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट यूट्यूब अकाउंट, क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो ये वाला टैक्स हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टैक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाए, कंपटीशन भी हाई है एंड सर्च वॉल्यूम भी हाई है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम ये टैक्स को जो है यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा जो है यूट्यूब वीडियो वायरल हो सकता है। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको दो तीन टैक्स को SEO करके यहाँ पे ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है, उसके बाद एक स्पेस लेना है, उसके बाद ये खड़ी पाई यूज़ करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा टाइटल लिख देना है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट न्यू YouTube चैनल, तो इस तरह से आपको लिख देना। मैंने दो कीवर्ड लिख दिया है, देन आपको उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, इसको इस तरह से कॉपी कर लेना है। देन कॉपी करने के बाद सेम यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इस तरह से पेस्ट कर देना है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ से जो है कवर टॉपिक इस तरह से लिख देना है, और उसके बाद सेमी कॉलन का यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ से दो स्टेप आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे यहाँ से टू बडी एप्लीकेशन में वापस जाओगे, और यहाँ से जो है ये सारे टैग्स को यहाँ से इस तरह आपको कॉपी कर लेना है। कम से कम आप 10 टैग्स को यहाँ से उठा लोगे, 10 से 15 टैग्स को आपको उठा लेना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका टैग्स कॉपी हो चुका है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट इस तरह से कर देना। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये जो स्पेस लग गया है तो ये आपको कोमा हटाना है यहाँ से। अगर कोमा रहेगा तो आपको स्ट्राइक पड़ जाएगा, तो इसको यहाँ से हटाना है इस तरह से। और आपको यहाँ पे टैक्स वही देना है जो आपके वीडियो से रिलेटेड हो, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आपको देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको टैक्स जो है कोमा हटा के आपको स्पेस यहाँ पे लगा देना है। अगर कोमा नहीं हटाओगे उस कंडीशन में आपका यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक पड़ेगा। देन कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से आपको यहाँ से कोमा हटा के आपको टैक्स को इस तरह से फिट कर देना है। देन इस तरह से आपको सारा SEO करने के बाद अब आपको यहाँ पे हैशटैग लगाना है। हैशटैग आपको यहाँ पे जो है मिनिमम जो है आप 14 लगा सकते हो, और मैक्सिमम आप 14 लगा सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप लगाते हो तो आपका तो YouTube चैनल पे ख़तरा हो सकता है, स्ट्राइक आ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल नेम या हैशटैग लगा के लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपना चैनल का नेम लिख देता हूँ। उसके बाद अब आपको अपने वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे हैशटैग लगाना है, क्रिएट यूट्यूब चैनल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हैशटैग देंगे चैनल सेटअप, उसके बाद फिर से हम लोग हैशटैग देंगे एंड यहाँ पे अगर आ रहा है तो ठीक है, यूट्यूब चैनल यूट्यूब बिगनर, ऐसे करके आपको जो है 10 या 8 की जो हैशटैग लगा देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अब मैं आप सबको बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आपको YT स्टूडियो अपना ओपन करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी ओल्ड वीडियो अपना सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ से आपको जो है अपना यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से मैंने अपना SEO किया वीडियो के अंदर। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मतलब बार बार आपको डिस्क्लेमर ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दोगे, देन आपका जो है 100% वीडियो का SEO हो चुका है। अब यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर दोगे, तो आपका वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लाऊं, तो
जिसमें हम पूरा मैं डिटेल में बताऊं, तो नीचे कमेंट कर देना कि आपको पार्ट टू वीडियो चाहिए इस वीडियो का। तो आई होप कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद है, पसंद वीडियो को लाइक करिए, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।